आज हम देखेंगे स्विच केस इन सी। स्विच केस क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का ही एक पार्ट होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का ही एक पार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग में हमने देखे थे इफ इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर देखे थे, उसी तरह से एक होता है स्विच केस। जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स लैडर क्यों यूज होता है? जब एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी होती हैं, बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं अगर हमें, तो हम एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। यही कंडीशंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो एल्स इफ लैडर क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए कभी कभी हम क्या यूज कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ओनली स्विच केस यूज कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एल्स इफ लैडर को स्विच केस रिप्लेस कर सकता है, बट कुछ कंडीशंस में ये चीज क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो ये क्या होता है, इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विद मल्टीपल केसेस। मतलब ये किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को बहुत सारे मल्टीपल केसेस के साथ में कंपेयर करता है। अब वो जो वेरिएबल होता है उसे क्या बोला जाता है, स्विच वेरिएबल बोला जाता है। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। ये है सिंटैक्स स्विच केस का। यहाँ पे स्विच और यहाँ पे आता है वो वाला वेरिएबल जिसे हमें कंपेयर करवाना है, और इस चीज को ही क्या बोला जाता है, स्विच वेरिएबल बोला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं अलग अलग केसेस, केस C1। अब यहाँ पे ये जो C1, C2 हमने लिखे हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आइदर इंटीजर कॉन्स्टेंट और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं। तो ये है केस C1। मतलब अगर ये वाला केस ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब इसका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक मतलब बाहर आ जाएगा। ये ब्रेक लगाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, अगर हम ये ब्रेक नहीं लगाते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद ये तो एग्जीक्यूट होगी ही, साथ में बाकी की जो भी कंडीशन है वो वाली भी एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ब्रेक लगाया है। यहाँ पर कॉलन लगाया जाता है ना कि सेमी कॉलन। यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए कोई कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। आपने कॉलन लगा दिया, कॉलन साइन लगा दिया, इसके बाद आप इसका ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेक से इसके हम बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से हम जितने भी केसेस देना चाहे हम दे सकते हैं, और इसके बाद में डिफॉल्ट, जैसे एल्स काम करता है ना वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट काम करता है। मतलब अगर ये सारे ही केसेस नहीं सेटिस्फाई हो रही, सारी कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उस केस में डिफॉल्ट के लिए हम जो भी ब्लॉक लिखना चाहें वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, बाद में मैं इसके प्रोग्राम और बहुत सारे कोड्स भी, कुछ कोड्स भी बताऊंगी आपको। ये है स्विच और यहाँ पे है CH, फिर केस वन, फिर यहाँ पे स्पेस आएगा केस स्पेस वन, फिर उसके लिए हमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो, देन ब्रेक, फिर केस टू, फिर उसके लिए हमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं, देन ब्रेक। इसी तरह से हम जितने भी केसेस देना चाहें हम दे सकते हैं, और उसके बाद में लास्ट में क्या देंगे हम, डिफॉल्ट, जो कि ऑप्शनल होता है, ये देना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये दे दें तो बेटर रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट, और फिर क्या हो जाएगी, इसकी एंडिंग हो जाएगी। तो अब अगर इस CH की वैल्यू हम यूजर से भी ले सकते हैं, हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो CH की वैल्यू अगर यूजर देता है 1, तो CH की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, ये वाली कंडीशन, ये वाला केस ट्रू हो गया। इसका मतलब तो इसमें जो भी हमने लिखा हुआ है वो चीज एग्जीक्यूट होगी, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और फिर ब्रेक की वजह से क्या आ जाएगा, इस स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। और अगर केस यहां पर हमने ब्रेक नहीं लगाया है तो केस टू के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे, और इसी तरह से यहां पे भी अगर ब्रेक नहीं है तो केस थ्री के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे, और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक हमने कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया, इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। अब हम इसी चीज को देखते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प से। अब स्विच केस को समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पे ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड की, ये मेन फंक्शन, यहाँ पर हमने पी करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये पी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसको मेमोरी मिली जितनी इंटीरियर की साइज है उतनी, CLR SCR आउटपुट स्क्रीन जो आएगी हमारी उसको क्लियर करने के लिए, फिर आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, एंटर योर पोजिशन, तो यहाँ पर आ गया एंटर योर पोजिशन। अब स्कैनएफ वेट करेगा जब तक हम कोई एक इंटीजर वैल्यू ना दें, तो यहां पर अगर हमने पोजीशन एंटर की है 1, तो वो 1 कहां पे स्टोर हो जाएगा, पी के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, तो यहां पर 1 स्टोर हुआ, स्विच पी। तो अब ये पी डिसाइड करेगा कि हमें कहां जाना है, तो पी की वैल्यू क्या है, 1 है,
तो केस वन जो हो गया वो ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये कहां पर स्विच करेगा, जाकर केस वन पर स्विच करेगा, तो केस वन पर इसने स्विच किया और आउटपुट में क्या आ गया, गोल्ड मेडल आ गया। और फिर क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक की वजह से स्विच स्टेटमेंट के हम बाहर आ जाएंगे, गेट सी एच एंड देन हम प्रोग्राम के भी बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा होता तो क्या होता, गोल्ड मेडल के बाद आउटपुट में क्या आ जाता, सिल्वर मेडल भी आउटपुट में आ जाता। फिर यहाँ पर भी अगर ब्रेक नहीं होता तो इसके बाद में हमारे आउटपुट में क्या आ जाता, ब्रोंज भी आ जाता। फिर अगर यहाँ पर भी ब्रेक नहीं होता तो फिर क्या आ जाता, इनवैलिड वैल्यू, ये भी आउटपुट में आ जाता। तो इसलिए ये ब्रेक लगाना जरूरी है ताकि जैसे ही हमारा ये काम, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, उसके बाद हम क्या आ जाए, स्विच की बॉडी से सीधा बाहर आ जाए। मान लिया यहीं पर P की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये कहाँ स्विच करेगा, केस 2 पर स्विच करेगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, सिल्वर मेडल आ जाएगा। फिर ब्रेक करेगा और इस स्विच की बॉडी के बाहर। तो ये तो था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम स्विच को समझने के लिए। अब हम देखेंगे इस स्विच के बारे में कुछ और फैक्ट्स। वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि स्विच के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसका पहला जो फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही दे सकते हैं, इंटीजर या कैरेक्टर कॉन्स्टेंट ही दे सकते हैं, यहाँ पर हम कोई वेरिएबल केस में नहीं दे सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमने सोचा कि हमने यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 4 डिक्लेयर कर रखा है या कुछ भी डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पर हम दे देते हैं केस और b, तो इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये चीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही दे सकते हैं, और वो कॉन्स्टेंट्स कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स ही हो। तो यहां पर हमें क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही देने, कोई वेरिएबल नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, एक और जरूरी बात यह है कि यहां पर हम मैक्रो कॉन्स्टेंट्स जरूर दे सकते हैं। मैक्रो डिफाइंड कॉन्स्टेंट मतलब, मान लिया कि यहां पर हमने दे रखा है हैश डिफाइन, कुछ भी दे दिया हमने R4, तो हम अगर हम चाहें कि स्विच केस में यहां पर दे दें केस आर, तो वो चीज रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि ये आर जो है वो वेरिएबल नहीं है, ये भी एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज पॉसिबल है, ये चीज रॉन्ग नहीं होगी, ये चीज सही होगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये आर की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 4 से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज ये आर जो है वो वेरिएबल नहीं है, ये कॉन्स्टेंट ही है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फैक्ट। एक और चीज जो स्विच केस के बारे में नोट करने की है वो ये है कि इसमें हम सिर्फ केसेस ही दे सकते हैं, उसके अलावा अगर हमने कोई सा स्टेटमेंट दिया है लाइक कि प्रिंट एफ हाई, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाई भी कभी प्रिंट होगा। इसमें क्या होगा, मान लिया सी एच की जो भी वैल्यू आई 1, 2, 3, 4 या कुछ भी आई, तो फिर सीधे वे उस केस पर ही स्विच करेगा, 1 है तो 1 पर स्विच करेगा, 2 है तो 2 पर स्विच करेगा, 3 है तो 3 पर, कुछ नहीं है तो या तो डिफॉल्ट पर, डिफॉल्ट भी नहीं है तो स्विच से बाहर आ जाएगा, बट ये हाई कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो हम स्विच की बॉडी में चाहे कुछ भी और दे दें, एरर नहीं आएगी, बट ये चीज कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक और जो फैक्ट है इसके बारे में वो ये है कि यहां पर हम कोई भी कॉन्स्टेंट्स दे रहे हैं, मान लिया हमने दे दिया यहां पर केस 1, फिर हमने दे दिया केस 2, फिर मान लिया हमने दे दिया केस 3+2, तो ये 3+2 भी वैलिड होगा। इसी तरह से अगर हम दे देते हैं केस 1+1, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि केस 1+1 का रिजल्ट क्या आएगा, 2, जो कि ऑलरेडी यहां पर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कितने भी केसेस दे दें वो आपस में ओवरलैप कभी भी नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब इसमें ओवरलैपिंग जो है वो अलाउड नहीं है। हम इस तरह से एक्सप्रेशन दे जरूर सकते हैं कॉन्स्टेंट से मिला के, बट वो वाला एक्सप्रेशन है, उसके एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑलरेडी या बाद में कभी भी केस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है वो है रेंज के बारे में, मतलब हम किसी रेंज के लिए आउटपुट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है स्विच सी एच केस। अब अगर हम चाहते हैं कि अगर वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ है तो आउटपुट आना चाहिए वर्किंग डे, तो हम यहां पर लिख देंगे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो अगर इन चार में से कोई सी वैल्यू है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, वर्किंग डे आना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, प्रिंट एफ वर्किंग
डे, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू आए, मान लिया अब हम चाहते हैं केस फाइव, केस सिक्स और केस सेवन अगर वैल्यू है तो क्या आ जाना चाहिए, हॉलीडे। हालांकि ऐसा होता नहीं है बट मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूं, हॉलीडे। तो ये क्या है, हमने एक रेंज डिफाइन की है कि अगर वन से लेकर फोर तक कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आ जाए, वर्किंग डे आ जाएगा। और अगर फाइव सिक्स सेवन, फाइव से लेकर सेवन तक कोई वैल्यू आती है तो क्या आ जाएगा, यहां पर हॉलीडे आ जाएगा। तो अब होगा क्या कि मान लिया वैल्यू क्या है, सी एच की वैल्यू हो जाती है टू, तो कौन सा केस इसमें से ट्रू हो जाएगा, ये वाला केस, मतलब यहां पर स्विच करेगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, वर्किंग डे आ जाएगा। लेकिन हमें यहां पर भी रेंज में भी ये ध्यान देना है कि अगर हमने यहां पर वन टू थ्री फोर दे दिया है तो हम इन चीजों को यहां पर रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हमें कि हमने यहाँ पे टू दे दिया या थ्री दे दिया तो इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। रेंज देने का एक और तरीका होता है लेकिन वो कुछ ही कंपाइलर सपोर्ट करते हैं। एक और तरीका क्या होता है, ये वन से लेकर फोर को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उसके लिए रूल क्या होगा, केस हम लिखेंगे वन, फिर एक स्पेस देंगे और फिर तीन डॉट्स लगाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, जो हायर वैल्यू है वो, और फिर एज इट इज हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉलन लगा देंगे। और हमें जो भी लिखना है, प्रिंट एफ, वर्किंग डे, ब्रेक वगैरह जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज को कुछ ही कंपाइलर सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गए स्विच केस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये है आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप ये ध्यान से इस कोड को देखिए या नोट कर लीजिए और फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। int i इज इक्वल टू फाइव, इसके बाद i परसेंट टू, देन केस वन टू थ्री डिफॉल्ट दिस, तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा।